संघ के द्वारा धान के उठाव में 16,000 टन धान के गायब होने का मामला यहां पर सामने आया है। सरकार को इससे 3 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। इधर मार्कफेड की डीएमओ धान की कमी को लेकर डीएमओ का कहना है कि सरकार इतनी गड़बड़ी को मान्य करती है, ट्रांसपोर्टिंग और धान के सूखने के कारण कमी आती है। डीएमओ एक तरफ ये कहती है कि धान अंकुरित हो जाते हैं इसलिए भी शॉर्टेज होता है, अब सूखा धान भी अंकुरित होता है ये पहली बार पता चल रहा है, धान शॉर्टेज होने का तो सवाल ही नहीं होता। तौल के समय किसान से 4 से 5 किलो सुकद का अलग से लिया जाता है, यानी 3 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी बिलासपुर मार्कफेड में हुई है। लिया जाता है तो जब हम संग्रहण केंद्र में उसको भंडारित करते हैं उसके निराकरण की स्पीड जो होती है और बारिश आती है, आंधी तूफान आते हैं, ये सारी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कुछ लॉसेस होते हैं जिसका हम शॉर्टेज। रिपोर्ट हमारा बनता है सर्वे का और एक अपराइजल रिपोर्ट बनता है सर्च का, वो रिपोर्ट जब तक नहीं बनता आपका एक्यूरेट फिगर हम दे नहीं सकते और देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सपोज हम बता दें 50 करोड़ उसके वहाँ मिला। और खबर महासमुंद से है जहां पर पुलिस ने सफलता